हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ उमेश अरोड़ा फ्रॉम कैट कैम मेरठ। और सॉलिड वर्क्स के अंदर आज हम लोग इस वाले मॉडल को बनाने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक मेरे पास टॉप व्यू है और एक ये फ्रंट व्यू है और ये सेक्शन थोड़ा सा कटा हुआ है अंदर डिटेल दिखाने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट से ही इसको बनाते हैं और ऊपर वाली शेप बना के इंटरसेक्शन कर देंगे, बाद में इस शेप को बना के रिवॉल्व ले लेंगे। तो चलिए करते हैं यहाँ से स्टार्ट। स्केच में जाते हैं और स्केच लेके मैं फ्रंट वाले प्लेन को ले लेता हूँ और इसे ओरिजिन को इधर शिफ्ट कर लेते हैं। एक रेक्टेंगल लेता हूँ मैं और रेक्टेंगल को यहाँ से बना लेते हैं और क्लिक। अब इसकी हम डायमेंशन कर लेते हैं। डायमेंशन के लिए स्मार्ट डायमेंशन है और ये जो है ये है हमारे पास 60 और ये जो है इसे क्लिक करते हैं, ये है हमारे पास 90 का डायमीटर, तो 90 कर दीजिएगा। और इसकी डायमेंशन यहाँ से 45 है, इसे भी आप चेंज कर दीजिए। ओके, तो ये मिडिल पे आ गया है। अब यहाँ से लाइन ले लेते हैं और यहाँ से क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आगे तक जाना है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाना है और फिर ये आगे तक जाएंगे। बाकी ऑफसेट करना है और डायमेंशन करना है, तो स्मार्ट डायमेंशन, इस लाइन की नहीं चाहिए डायमेंशन, डायमेंशन चाहिए हमें यहाँ से और लास्ट यहाँ तक, आप यहाँ तक क्लिक कर दीजिए। ओके, और ये है 120 और इसके बाद आगे है 50 ये जो लाइन है इस लाइन पर क्लिक करते हैं और ऊपर की तरफ ले लेते हैं इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये है हमारे पास 50 और ये दिया हुआ है टोटल 200 सेंटर से प्लस 25 का रेडियस। सो ये पॉइंट जो है इस मिडिल वाले के साथ आ जाएगा 225, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ 225 एंटर। ओके, डायमेंशन मेरी कंप्लीट हो गई है, मैंने डायमेंशन की कर दी है। अब इसको ऑफसेट करने का नंबर आता है, तो इसे फिनिश करेंगे और इसे ऑफसेट करते हैं। ये दूरी मैं अभी बाद में लूँगा, फिलेट में बाद में करूँगा, पहले इसे ऑफसेट ले लेते हैं। ऑफसेट में जाएंगे और 10 का ऑफसेट है, ये सब ठीक है। इस लाइन को ये पूरी चेन इसने एक साथ ले लिया है और ओके कर दीजिए और इसे यहाँ से लाते हैं और लाइन को कर देते हैं क्लोज। अब बात आती है फिलेट की और ये वाली 35 की डिस्टेंस की, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, स्मार्ट डायमेंशन में ही जाऊँगा, ये लाइन और ये जो लाइन है अपर वाली, इन दोनों लाइन के बीच का गैप जो है ये 35 है, तो इसे 35 डिफाइन कर देते हैं। ओके, तो ये ब्लैक हो गया है जो कि कंस्टेंट प्रॉपरली शो कर रहा है। एक फिलेट बचा हुआ है, तो फिलेट के लिए यहाँ से हम फिलेट लेते हैं और फिलेट है ये दे रखा है 60 का, तो रेडियस 60 ऐसे फिलेट किया, फिर इधर 60 और इसे अब वापस से कर देते हैं 50 क्योंकि 10 का ऑफसेट था, तो इन दोनों के बीच में 50 और इधर इन दोनों के बीच में भी 50। ओके, पर ये आप देखेंगे यहाँ से ये हट गया है ना, कंसेंट हट गया है, तो मैं अंडू करता हूँ, अंडू, क्योंकि अभी इसको कंसेंट करने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, तो ऊपर का ले लिया, नीचे का मैं नहीं ले रहा हूँ। इसे सिंपल यहाँ से एग्ज़िट कर देते हैं फिर। अब इसे घुमाते हैं हम और थोड़ा सा जूम करिए और मैं एक्सट्रूड में जाता हूँ, एक्सट्रूड लेंगे
इस वाले कर्व को क्लिक किया, आपको कर्व पे क्लिक करना है। अगर प्लेन पे क्लिक कर देंगे तो एक नई विंडो खुल के आ जाएगी, जिससे फिर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। और ये 90 का डायमीटर का है, तो इधर से मैं इसे मिड प्लेन कर देता हूँ और इसे कर देते हैं 90। तो ये मेरा 90 हो गया है, इसे कर दीजिए आप। और प्लस एक काम और करते हैं, इसे भी ले लेते हैं, ये वाला जो शेप है ये पूरी भी आ जाए। और ओके, तो ये पूरा एक साथ ही आ गया है। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को होनी चाहिए। एक फिलेट बचा था, तो फिलेट मैं यहाँ से ले लेता हूँ। और ऊपर वाले पे फिलेट चाहिए एक मुझे 50 रेडियस है, यहाँ पे 50। और घुमा लेते हैं नीचे वाले पे भी। ओके, और ये 90 का डायमीटर था, तो यहाँ से लेते हैं हम फिलेट 45 के रेडियस का। तो इस बार आप 45 चेंज कर दीजिएगा। और एक एज ये है, एक एज ये, एक ये है, और एक एज ये। ओके, सो ये शेप मेरे पास आ गई है। अब इसके टॉप पे चलना है, टॉप पे जाके काम करेंगे। तो इसे मैं वापस से प्लेन को शो करता हूँ और टॉप वाले पे जाके स्केच क्रिएट करते हैं। स्केच नॉर्मल कर देते हैं। अब हम एक काम करते हैं, ऊपर वाली ये जो शेप है ये बनाने वाले हैं। तो एक सर्कल ले लेते हैं। देखिए सेंटर पे लेने का क्या फ़ायदा हुआ इसका, मैं डायरेक्टली इसको इससे मिला सकता हूँ, तो मुझे क्या होगा कि डायमेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो यहाँ से डालते हैं हम 90 का डायमीटर ले लिया है, रेडियस लेनी थी। खैर कोई बात नहीं, मैं इसको एडिट कर दूंगा। और एक दूसरा जो है वो मुझे यहाँ तक रखना है, ये मैंने ले लिया। अब यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन में इसकी डायमेंशन कर देते हैं 90। एंटर। और इधर वाला जो है सर्कल इसको भी लेते हैं। और ये वाला 25 का रेडियस है और 50 का डायमीटर। और एक काम यहाँ पे और बचा है, हमें ये जो कर्व है और ये लाइन है दोनों को कर देते हैं टेंजेंट, इससे मैच हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, लाइन ले लेते हैं और इसको हम इस सर्किल के साथ टेंजेंट मैच कर देते हैं, ठीक है। और अगर ये टेंजेंट नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, टेंजेंट हम बाद में भी डिफाइन कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि ये टेंजेंट आएगा। ओके, यहाँ से क्लिक करते हैं, दूसरा ये, ये अगर ब्लैक आ रहा है तो मीन टेंजेंट प्रॉपरली है, अगर ब्लैक नहीं आएगा तो इट मीन्स प्रॉपरली टेंजेंट नहीं है। ये एक इसकी आइडेंटिटी है जिसके थ्रू आप इसे पहचान सकते हैं, ठीक है। तो अब रेक्टेंगल में जाता हूँ और एक मेरे को स्क्वायर चाहिए, और ये वाला आप ले लीजिएगा, ये फोर्थ वाला। और यहाँ से क्लिक करेंगे, क्लिक, और अब इसकी डायमेंशन करते हैं। डायमेंशन ये है हमारे पास 40 का स्क्वायर है, तो इसको आप रखेंगे 40। और दोनों को हम इक्वल कर देते हैं, इससे क्या होगा कि मुझे दूसरी डायमेंशन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली इसके साथ में इक्वल हो जाएगा। इक्वल कर देते हैं इसे, इक्वल हो गया। और ये जो बीच में लाइन आ रही है इसे मैं वर्टिकल कर देता हूँ, इससे 45 के एंगल पे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं और जूम करिए, जूम करेंगे और एक लाइन यहाँ पे हॉरिजॉन्टली लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, क्लिक। और इसके बीच में डायमेंशन करना है हमें
ये टोटल 50 दिया हुआ है तो 25 लेना है आपको। इसको या तो आप मिरर कर लीजिए या एक और तरीका है हमारे पास, आप इसे सेलेक्ट करें और पैटर्न कर देते हैं इसको, कौन सा सर्कुलर पैटर्न पॉइंट ठीक है 4 और सब कुछ ठीक आ रहा है 4 ओके 360 में और क्लिक ओके। अब आप यहाँ से ट्रिम ले लीजिएगा, ये मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये सब कट कर दीजिए। ओके तो ये पूरा आ गया है। आप इस लाइन को आप सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करिए, और ये सबको कर देते हैं इक्वल ओके। और कुछ डिस्टेंस और चाहिए तो ये दोनों लाइन को मैंने सेलेक्ट किया और दोनों को वर्टिकल कर देते हैं और पैरेलल कर देते हैं ओके। सेम ऐसे ही इन दोनों लाइन को सेलेक्ट किया, इक्वल पैरेलल हॉरिजॉन्टल ऑटिक। डायमेंशन में चले जाते हैं और इसके और इसके बीच में भी 40 और कुछ मिडिल से डिस्टेंस हमें देनी पड़ेगी तो वो डिफाइन कर देते हैं। ये जो पॉइंट है और ये हॉरिजॉन्टल वाला प्लेन है, ये आप ओरिजिन भी ले सकते हैं क्लिक, ये गैप आपको उसको चेंज नहीं करना, ये सब ठीक है, आप इसको ऐसे रहने दीजिए। और अगर आपका चेंज करने का ही मन है तो हम क्या करेंगे 25 वाली डिस्टेंस ले लेंगे ओके। तो ये जो लाइन है इसे क्लिक किया और ओरिजिन जो लाइन है बीच का ये इसके साथ, और ये 25 कर दीजिएगा, 25 बाय डिफ़ॉल्ट ठीक ही आ रहा है वो ओके। तो एंड से लेंगे तो 28.28 आएगा और मिडिल से लेंगे तो फिर ये 25 आ जाएगा। और एक इधर से भी मुझे लेना पड़ेगा, ये सेंटर पॉइंट और लाइन दोनों को कॉन्सिडेंट कर देते हैं। इसको एग्जिट करते हैं, और एक्सट्रूड में फिर से जाते हैं, एक्सट्रूड लेता हूं मैं, ये एक्सट्रूड बॉस, और कर्व लेना है सिर्फ आपको बाहर वाला, तो ये ऑटोमेटिकली आउटर जो कर्व है उसे क्लोज को सेलेक्ट कर लेगा। और इसको मैं फिर से वही मिड कर देता हूं और बढ़ा दीजिए, दोनों आपस में इंटरसेक्ट होना चाहिए ओके। और इसे मर्ज नहीं रखना है, आप मर्ज को हटा दीजिएगा और क्लिक। अब हमारे पास दो सॉलिड हैं, इन दोनों सॉलिड को हमें करना है इंटरसेक्शन, वो हमें मिलेगा ऑप्शन कंबाइन के अंदर ओके। तो कंबाइन को मैं देखता हूँ यहाँ से, कंबाइन ये मैंने पहले ही ऐड कर रखा है, तो कॉमन क्लिक और सेकंड और ओके। तो दोनों में जो कॉमन था सिर्फ वो बच जाएगा, बाकी कट जाएगा, तो हमारी डिज़ायर शेप जो है वो आ चुकी है। और यहाँ पे जो स्केच था हमारा,
इसको आप फिर से शो करा दीजिए। और इस वाले की जो शेप थी हमारी अंदर वाली, इसे हम एक्सट्रूड कट करने वाले हैं। और इसे क्लिक करिएगा, जैसे आप एक कर्व को सिलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली पूरे को ही लेगा, और एक कट हो भी रहा है, और ओके कर दीजिए, ये कट आ गया है हमारा। अब आपको अगर ये नहीं चाहिए तो आप इस स्केच को अब आप हाइड कर सकते हो, यहाँ से राइट क्लिक करके हाइड कर देंगे, हाइड हो जाएगा। अब इसके ऊपर का जो हैंडल है वो हमें बनाना है, तो उसके लिए स्केच करेंगे और ये वाला प्लेन जो है इसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। नॉर्मल कर देते हैं और थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं। यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं। यहाँ से देखिए इसका मिडिल पॉइंट आ गया है ना, तो मिडिल नहीं आना चाहिए, आप इसे ले लीजिए सिंपल। और कुछ यहाँ से ये क्लिक कर दिया एक, और अब इसकी डायमेंशनिंग ये है 7.5। डबल डॉट लग गया था वो, इसे डबल क्लिक करते हैं। सेवन पॉइंट फाइव एंटर, और इस लेंथ को भी ले लेते हैं, ये है हमारा 40 का डायमीटर। ये वाला मिडल से इसे 20 कर दीजिए ताकि सिमेट्रिकली बीच में आ जाए। अब यहाँ से लाइन में जाते हैं, सेंटर लाइन, और इसकी डायमेंशन कर देते हैं ये है 109.5। अब यहाँ से आप आर्क ले लीजिए 3.8, और फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये, और थर्ड पॉइंट आप इससे मिला दीजिएगा। ओके चलिए बड़ा कर देता हूँ मैं अभी, और इसको मिला हम बाद में देंगे। ये पॉइंट और कंट्रोल के साथ इस वाले पॉइंट को, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, आप फिर डायमेंशन ले लेते हैं, इसका डायमेंशन 15 का रेडियस, अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैं लेता हूँ, ये पॉइंट दोनों को क्लिक किया, और इन्हें कर देते हैं हम कॉन्सिडेंट, कॉन्सिडेंट से इससे मैच हो जाएगा। इसके बाद फिर से आर्क ही लेना है, आर्क यहाँ से स्टार्ट करेंगे और कुछ यहाँ तक जाइए, और ये ऊपर तो टेंजेंट होना ही चाहिए, ऊपर टेंजेंट अभी हुआ नहीं है, कोई बात नहीं। और फिर नीचे मैं लाइन पर मिला देता हूँ,
रखिए, मैंने मिला दिया। अब डायमेंशन की बात आती है, तो डायमेंशन का देते हैं पहले। यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन लीजिए, इसे क्लिक किया और यह है 150 का रेडियस। और आप देखेंगे इधर से तो ये है 85, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से ये पॉइंट जो है 85 पे है, तो इसे हम 85 कर देते हैं, एंटर। इसे एक मिनट क्लोज करिएगा और इसे ड्रैग करके आप ऊपर की तरफ लेके आइए। अच्छा, ये तो पॉइंट था पहले वाला, हमें ये वाला पॉइंट चाहिए जो कि ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ हमारा जा रहा है, और ये वाला कर्व, दोनों को आप सिलेक्शन करके टेंजेंट कर दीजिए, टेंजेंट होना है। और नीचे का रेडियस है उसको फिर हम बाद में देखते हैं। अब स्मार्ट डायमेंशन में जाके इसकी डायमेंशन कर देते हैं, ये है 75 का रेडियस। और हॉरिजॉन्टल से 30, तो यहाँ से ये जो पॉइंट है 15 आ जाएगा। और ऊपर से भी ये शायद टेंजेंट नहीं मिल रहा प्रॉपरली, तो इन दोनों को भी टेंजेंट मिला देते हैं, ये और ये वाला, दोनों को क्लिक करेंगे, दोनों कर्व को क्लिक करके कर देते हैं टेंजेंट, और इसे करते हैं फिनिश। और लाइन एक लेते हैं, लाइन यहाँ से शुरू होगी, इसे कर देते हैं यहाँ से एग्जिट। और इस वाली शेप को अब हम करने वाले हैं रिवॉल्व। ये नीचे नहीं आ रहा है तो नीचे का भी नहीं हो पाएगा, तो एडिट कर लेते हैं एक बार और, नीचे का भी हाफ ही चाहिए इसलिए लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं। एक्सिट करते हैं, अब यहाँ से फीचर में जाके हम लेते हैं रिवॉल्व। और इस लाइन को क्लिक करिए और कंटूर में जाएंगे, एक तो ये पोर्शन है और एक ये पोर्शन है, मैंने ये दोनों एरिया सेलेक्ट कर लिए हैं और एक्सेस ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ, और बस क्लिक करना है मुझे, और मेरा इसे मर्ज मैं नहीं चाहता हूँ करना, और क्लिक। और यहाँ पे थिकनेस वाला आ रहा है, आप थिकनेस को हटा दीजिए, थिकनेस नहीं चाहिए, और क्लोज। और इसे फिट कर लीजिए, ये हम हाइड कर देते हैं, तो ये हमारी शेप जो है बन के आ गई है। सो होप आपको ट्यूटोरियल प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरीज हैं आपकी तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब अवर चैनल।